जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नूडल्स वाली सूप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। इसमें जो मसाला रहता है इसे भी हम यूज करेंगे। बॉईल करने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे। पानी में थोड़ा सा तेल रखेंगे, थोड़ा सा नमक रखेंगे और एक उबाल आने देंगे पानी में। अब पानी हमारा गर्म हो गया है, अब नूडल्स रख देंगे। ज़्यादा देर नूडल्स को नहीं पकाएंगे, एक मिनट रखेंगे पानी में। अब गैस को ऑफ कर देंगे और ये पानी हटा देंगे। अब एक जाली वाला कोई सा बर्तन लेंगे और नूडल्स को हम निकाल लेंगे। अब ठंडा पानी से धो लेंगे। अब इसे हम फैला देंगे, सारा पानी निकाल लेंगे नूडल्स से। नूडल्स को हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नूडल्स को हम फ्राई कर लेंगे। नूडल्स फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। इसमें ऑयल रखेंगे, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, ये हमारा रिफाइंड ऑयल है। अब इसे गरम होने देंगे अच्छा से। अब तेल हमारा गरम हो गया है, अब नूडल्स को फ्राई कर लेंगे। अब इसी तरह थोड़ा देर छोड़ देंगे, एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद फिर दूसरा साइड भी पलट देंगे। अब नूडल्स को हम पलट देंगे। अब दोनों साइड से अच्छा से फ्राई कर लेंगे, पूरा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब नूडल्स हमारा फ्राई हो गया है, अब इसे एक एक करके निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम सूप बना लेंगे। नूडल सूप बनाने के लिए हम थोड़ा सा हरी सब्जी लिए हैं। आपको जो सब्जी पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें बारीक कट करके मशरूम भी रख सकते हैं, कॉर्न भी रख सकते हैं। सूप हम मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे, आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं। तो बर्तन को हम पहले गर्म होने देंगे, बटर रखेंगे, बटर को हल्का मेल्ट होने देंगे, लहसुन रखेंगे, हरी मिर्च, बारीक किया हुआ अदरक, अब गाजर रखेंगे, बीन्स रखेंगे, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। अब इन सब सब्जी को मिक्स कर देंगे। प्याज, हरा मटर। अब सब्जी को दो मिनट भून लेंगे। थोड़ा सा हम सफेद नमक रखेंगे, मिक्स कर देंगे। एक छोटा चम्मच चीनी, एक छोटा चम्मच काला गोलमरीच पाउडर, मिक्स कर देंगे। एक छोटा चम्मच काला नमक, नूडल्स में जो मसाला था हमारा वो रख देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला रखेंगे, आप इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी रख सकते हैं। थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर रखेंगे, मिक्स कर देंगे। टोमेटो सॉस रखेंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें आप ग्रीन चिली सॉस भी रख सकते हैं। थोड़ा सा हम सोया सॉस रखेंगे, मिक्स कर देंगे। पानी ऐड करेंगे। अब 5 से 10 मिनट पकने देंगे सूप को पूरा अच्छा से। सूप को गाढ़ा करने के लिए हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी रखकर एक कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे। इसमें आप विनेगर भी रख सकते हैं, हम थोड़ा सा नींबू का रस रखेंगे। अब सूप हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें हम स्टॉक रखेंगे। ये स्टॉक हमने कैसे बनाए हैं इसका लिंक हम दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। स्टॉक रखने से सूप बहुत टेस्टी बनता है। अब सूप हमारा बनकर तैयार हो गया है। सूप में जो सब्जी है वो सब पूरा अच्छा से पक गया है। अब हम इसमें ये स्प्रिंग ऑनियन रखेंगे, एक कॉर्नफ्लोर रखेंगे। जब सूप बनकर तैयार हो जाए तभी कॉर्नफ्लोर रखना चाहिए।
ये तो पहले रख देने से सूप हमारा उतना टेस्टी नहीं बनेगा। अब कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर देंगे। सूप हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब नूडल्स को हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा ओरिगैनो रखेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स रखेंगे, थोड़ा सा हम चाट मसाला रख देंगे, काला नमक रख देंगे। अब नूडल्स हमारा बनकर तैयार हो गया है, हम सर्व कर लेंगे। ये नूडल्स आप सूप में भी रख सकते हैं, ऐसे साइड में भी रख कर सर्व कर सकते हैं। अब सूप हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये सूप हमें कड़कड़ाती ठंड से बचाती है, बहुत टेस्टी सूप लगता है। आप इसमें नूडल्स रख कर भी सर्व कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।